चैप्टर हमारा पहली चीज कहता है कि हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत सामने क्लास नाइन्थ में हमें बताया जाता है, टेंथ में बताया जाता है, बेसिकली क्लास टेंथ का टॉपिक है। जब आप पढ़ते हैं तो क्लास टेंथ में आपको थोड़ा सा बताया जाता है इसके बारे में, व्हाट इज लिविंग नॉन लिविंग लाइफ प्रोसेस का पार्ट था ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है बायोडायवर्सिटी से, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी में मेनली रॉबर्ट नेमेन हमें बताया था, एक एस्टिमेट दिया था कितने ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, कब तक कितने हम लोगों ने अब तक देखे हैं। तो यहीं से चैप्टर की इनिशिएशन करेंगे हम लोग, और जैसे जैसे हम आगे देखेंगे, ये पूरी स्लाइड है मेरे पास, इसी की जितना जैसे स्लाइड में उसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ स्पीसीज की बात की गई थी, तो नंबर ऑफ स्पीसीज की जब बात करता है यहाँ पे, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज की बात करता है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की, टोटल हमें ये एस्टिमेट दिया गया है बायोडायवर्सिटी में। अब पहला टर्म आपका आता है बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी से टर्म से समझ में आ रहा है कि बायो का मतलब हम एक लिविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायवर्सिटी मतलब डिफरेंस, विभिन्न प्रकार के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे प्रोटोजोअन, डिफरेंट काइंड की वैरायटी जितनी अर्थ पे हमें पाई जाती है, ठीक है। अब स्पीसीज, इसको पढ़ने के लिए क्या जरूरी था, स्पीसीज ज्यादा है तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट ज्यादा होती थी कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें, एक स्पीसीज कैसे डिफरेंट से अलग है, कैसे पहचाने, कैसे जाने कि एक दूसरे में डिफरेंसेस क्या है, उन्हीं के बिहाफ पे हमने सारी चीजें पढ़ना चालू की। तो पहली बार टर्म के कन्फ्यूजन को हमें सॉल्व करने के लिए हमने जो स्टडी टैक्सोनॉमी के थ्रू जो कन्फ्यूजन में क्रिएट हो रहा था उसको खत्म किया। तो टैक्सोनॉमी का पहला टर्म कॉर्नेलिस साहब ने इस्तेमाल किया था, उन्होंने टैक्सोनॉमी की रही, उसके बाद टैक्सोनॉमी के बेसिक कुछ चीजें होती, कैसे हम किसी चीज को जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। तो पहले हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका हम अपने सराउंडिंग में कोई भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं या फिर कुछ भी प्लांट या फिर एनिमल देख रहे हैं, तो हम लोग उसे पहले देखते हैं, तो पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक तरह से है क्या ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, उसको हम पहले बाद में उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के नाम से पता चल रहा है कि नामकरण एक तरह से नेमिंग करें, कैसे करते हैं वो हम लोग अभी नीचे टॉपिक पे और देखेंगे। नेमिंग बेसिकली क्या होती है कि नेमिंग ऐसी होती है कि एनसीईआरटी ने कुछ रूल्स हमारे साइंटिस्ट ने सेट किए, ठीक है, कि नेमिंग करने के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल होते हैं, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए यूनिवर्सल रूल, कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, कुछ यूनिवर्सल रूल्स बनाए गए जो सभी बायोलॉजिस्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जूलॉजी के केस में भी सिमिलर है, बस वहां पे फॉर की जगह हम लोग ऑफ यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर में जब साइंटिफिक नेम वही चीज कही, ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोलॉजिकल नेम एंड यूनिवर्सल नेम सेम रहेगा, चाहे आप कहीं भी अर्थ पे जाएं, आप जापान जाए, चाहे जहां जाए, चाहे आप रशिया जाए, या फिर कहीं आप अदर कंट्रीज में जाएं, आप एशिया के बाहर जाएं, तो उससे उस पर्टिकुलर का नेम नहीं बदल जाएगा। लेकिन लोकल नेम से क्या होता था, लोकल नेम से कन्फ्यूजन क्रिएट होता था, क्यों, हमें कानपुर में किसी चीज़ को, किसी फल या सब्जी को कुछ और नाम से बुला रहे हैं, लेकिन हो सकता है मुंबई में जाके वही चीज़ का नाम बदल जा रहा हो सकता है वही चीज़ चेंज हो जा रही हो। तो उसी कन्फ्यूज़न को ओवरकम करने के लिए हमने साइंटिफिक नेम क्रिएट किया था, ठीक है। तो बायोनॉमिकल नेमन क्लियचर लीनियस कार्लस लीनियस ने दिया था, तो उन्होंने कुछ रूल्स भी सेट किया था कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेम करेंगे, नेम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई थी, सेट ऑफ रूल्स बताए थे कैसे नेमिंग करनी है, तो उन्हीं के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला नेम बायोनोमियल नेमेनक्लेचर में पहला चीज, जो पहली चीज़ है वो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे ऐसा जेनरिक नेम, जेनरिक मतलब जीनस का नेम होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक एपिथेट की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पे उसकी स्पीसीज की बात करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मैंगो का, तो मैग्नीफेरा इंडिका में पहला लेटर कैपिटल देखो एम है, ठीक है। स्मॉल लेटर क्या है आई है, जो टैलिक्स में होगा, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल रूल्स थे नॉमेनक्लेचर के, तो यहाँ पे बात करते हैं लैटिन लैंग्वेज की। तो लैटिन लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक मानी जाती है, और ये ऐसी लैंग्वेज जो डेड हो चुकी है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का आपने एक बार नाम कर दिया तो उसको रीनेम नहीं किया जा सकता, वो जो पर्टिकुलर नेम होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ही होगा, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म का रीनेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सेट ऑफ रूल्स हमें ये बताए गए, देखो अगर लिखन किस में जाएगा, लिखा इटैलिक्स में जाएगा, लैंग्वेज लैटिन है, ठीक है। हैंड रिटन में क्या होगा, जैसे हमने एक लिखा मैग्नीफेरा इंडिका, तो दोनों को हम लोग सेपरेट अंडर का लाइन कर लेंगे, सेपरेट अलग अलग, अगर हम लोग हाथ से लिख रहे हैं तो, ठीक है। अब बायोलॉजिकल नेम में पहला वर्ड देखो जीनस, दूसरा स्पीसीज,
कैपिटल लेटर में हमेशा पहला वर्ड रहेगा, इंडिका स्मॉल लेटर में रहेगा, इससे कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज और, एंड में कभी कभी ऑथर का नाम लिखा जाता है जिसने डिस्क्राइब किया हो, ठीक है, जैसे मैग्निफेंडरा इंडिका लिन, लास्ट में लिन शब्द ये डिस्क्राइब करता है कि किसने उसको डिस्कवर किया था, किसने उसके बारे में फर्स्टली ऑब्जर्व किया, देखा, करेक्टराइजेशन किया, उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी की बात कर लिए, तो टैक्सोनॉमी की बात हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की, ठीक है। एक जो शब्द है उसका पहले मतलब समझिए, ठीक है। तो ये वर्ड डिराइव हुआ सिस्टमैटिक से, सिस्टमैटिक मतलब किसी चीज को हम लोग किसने सिस्टमैटिक वे से करते हैं, जैसे हम लोग क्या होती है पढ़ाई एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट होता है, चीजों का पैटर्न होता है, एक सिस्टम में चीजें वर्क करती हैं। तो यहीं पे बात करते हैं सिस्टमैटिक्स में। तो सिस्टमैटिक में जो स्टेप पहला है वो होता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। कभी भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल चीज याद रखना, इंक्रीजिंग, INC, हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं टर्म इंक्रीजिंग, तो INC से याद रखना। अगर उससे भी पहले पूछे हम लोग क्या करेंगे, तो पहले डिस्क्रिप्शन करते हैं, चीज का क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन करते हैं, कहीं कहीं पूछे नहीं, नॉर्मली आपसे ये चीज पूछेगा INC, ठीक है, जो किसके अंडर में आएगा, टैक्सोनॉमी के अंडर में आएगा। अब बात करते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा जो स्टेप यहाँ पे ऐड होता है वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसे फैलोजेनी कहते हैं। हम लोग जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन में ये पढ़ते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसका चीज से इवॉल्व हुआ, जैसे हम लोग एक सिंपल से हम लोग अपने सराउंडिंग में डॉग्स देखते हैं, डॉग्स, तो डॉग्स इवॉल्व कहाँ से हुए, अगर बात की जाए तो डॉग्स इवॉल्व किससे हुए, वुल्फ से हुए, ठीक है। आप हस्की देखिए, डॉग की एक ब्रीड होती है बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है वुल्फ को, उनको कंडीशन भी देखिए आप, उनका आपका फेस कट देखिए, चाहे आप उनके हैबिट्स देखिए, जैसे हस्की होता है, हस्की बहुत कोल्ड वेदर पसंद होता है, रीजन है कि उल्फ भी मैक्सिमम जो पाए जाते हैं वो कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं। तो टैक्सोनॉमी में कुछ चीजें यहां पे जो दे रखी हैं, बड़ा हो गया थोड़ा सा, जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने खत्म कर लिया था, यूनिवर्सल रूल्स पढ़ लिए थे, सिस्टमैटिक्स में थे, यूनिवर्सल रिलेशन की बात की थी मैंने आपको, फाइलोजेनी भी समझा दी थी डॉग का एग्जांपल देके। अब टैक्सोनॉमिक टर्म किसने दिया था, कंडोले साहब ने दिया था, फादर कौन थे, लीनियस थे, चीज में कंफ्यूज मत होना, टर्म किसी ने पहली बार डिस्यूज किया वो कंडोले साहब थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाए तो लीनियस साहब ही हैं। इन्होंने दो बुक दी थी, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जाता है, पहला है जेनरा फ्लैंडलम जो बेक्सम हुगर ने दी थी, दूसरा न्यू सिस्टमैटिक्स, तो न्यू इसके बारे में हम लोग और प्लांट किंगडम में इनिशियल पैरा में हम लोग को दिया गया है, स्टार्टिंग पेजेस में दिया गया, तब और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ यहाँ पे नेम याद रखिएगा। अब बात करते हैं टैक्सोन की, ठीक है, तो टैक्सोन बेसिकली एक रैंक होती है, एक कैटेगरी होती है, किस लेवल पे हैं आप, ठीक है, जैसे लाइफ में डिफरेंट फेजेस होती हैं, पहले आप छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, आप एक रैंक में आते जाते हैं, आप एक कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप बच्चे होते हैं तो चाइल्डहुड में होते हैं, टीनेजर में होते हैं, फिर आपकी 25-26 वाली एज एज आती है जहाँ आप चीज़ें करियर के रिलेटेड होते हैं, फिर आप 30-35-36 पहनते हैं तो आपकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो धीरे धीरे आपका रैंक अप होता है, एक तरह से बोलें आप डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के फेजेस में होते हैं, उसी तरह ही कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलर ट्रेड ऑफ एनी रैंक, सिमिलर ट्रेड मतलब जैसे जैसे हम चीज़ें देखेंगे उनमें ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर्स, कैसे कैसे सिमिलर कैरेक्टर हैं उसी के बिहाफ पे हम उनको वहाँ वहाँ रखते चले जाएंगे। टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करेंगे और इंट्रोड्यूस ICBN 1956 में जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, यहाँ पे जो बोनोटिकल से पहले फॉर और ऑफ का वो ध्यान रखना है कि प्लांट के केस में बोनोटिकल के बोनोटिकल के केस में सिर्फ वहाँ पे फॉर यूज होगा और जैसे एनिमल का केस आएगा वहाँ ऑफ यूज होगा। कई बार डिफिनेशन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इसी से आया है कि सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ लिया कि डिफिनेशन से पूछा है और डिफिनेशन क्या फुल फॉर्म से पूछा है, एक तरह से बोले तो फुल फॉर्म से पूछा है कि जो फुल फॉर्म है उसमें ऑफ और फॉर का ही डिफरेंस किया, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो इसमें टैक्सोन में 7 लेवल्स होते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा तरीका बता दूं मैं आपको, बहुत सिंपल फंडामेंटल है, बिना पेन कॉपी उठाए आराम से अपने दिमाग में कर लोगे। जैसे हम लोग कहते हैं SGFOCPK, SGFOCPK, पहले टर्म याद रखना तीन, SGF, S मतलब स्पीसीज, G मतलब जीनस, F मतलब फैमिली, ठीक है, OC, अब OC के बोलो तो ऑर्डर क्लास, अब PK, फाइलम किंगडम, फाइलम में
हम टर्म यूज करते हैं एनिमल के केस में, लेकिन जब प्लांट की बारी आएगी तो हम लोग वहां पे एक टर्म यूज करेंगे डिवीजन, ठीक है। प्लांक्टिनियम जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे इस चीज को हम लोग। अब बात करते हैं स्पीसीज की। तो स्पीसीज को पहली बार टर्म जो किया था जॉन डे साहब ने किया था, जो आपस में बहुत ज्यादा क्लोजर स्पीसीज होती हैं, सिमिलर करेक्टर्स के बिहाफ पे होती हैं, हम लोग उनको एक साथ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर स्पीसीज, आपस में कितनी ज्यादा उनमें कॉमन सिमिलरिटीज है उस पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, पहले मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेम ट्रुब्रिशम, पेंथेरा लियो, होमो सेपियंस। तो यहाँ पे जो ये जो स्टार्टिंग का है ये हमारा जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड में जो दे रखा है वो स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक चीज देख रहा हो यहाँ पे सारा कैपिटल में, वहां पे सारा स्मॉल में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेंथेरा है तो जीनस सेम है, जीनस सेम हो सकता है लेकिन क्या स्पीसीज अलग अलग है, और स्पीसीज क्या होती है लोवेस्ट बेसिक यूनिट होती है हमारी कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हायरार्की रैंक, एलएल का मतलब है लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक है, हम लोग लोअर से हायर के जब जाएंगे, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कार्लस लिनियस ने दिया था 1751 में, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग सिमिलरिटीज देखते हैं, जैसे आप देखें कि नीट और नीट वाली सिमिलरिटी होगी, जेई वालों जेई वाली होगी, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या क्या सिमिलरिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं ना कि वो कर क्या रहे होते हैं, उसी के बिहाफ उनका करेक्टर देखते हैं। लीनियस हमने हायर की भी दी, और इन्होंने क्या क्या लोअर टैक्सर से हायर टैक्सर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई थी एस जी एफ ओ सी पी के, तो यहाँ पर डिविजन का टर्म प्लांट्स के केस में यूज करेंगे, फाइलम के केस एनिमल के केस में यूज करेंगे। इस चैप्टर को हम वन शॉट में खत्म करने चाह रहे हैं, क्योंकि ये फटाफट चैप्टर, छोटा चैप्टर है, फटाफट रिवाइज करने के लिए कि एक शॉट में हम लोग खत्म करें, हम चीज को याद रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा लेनी नहीं, कभी बस याद ही ध्यान रखना जब तुमसे पूछ रहा है असेंडिंग पूछ रहा है डिसेंडिंग पूछ रहा है, असेंडिंग पूछे तो मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है, डिसेंडिंग पूछे तो याद रखना कि किंगडम से भी हम लोग स्पीसीज की तरफ आएंगे, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज नीचे की तरफ आते चले जाएंगे। अब हर एक हम लोग धीरे धीरे सारी जितनी भी कैटेगरीज हमने पढ़ी, सेवन हमारी रैंक है, उनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीनस की फैमिली हमने पहले स्पीसीज पढ़ लिया, ठीक है, स्पीसीज में हमने जैसे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज दी थी, क्लोजली रिलेटेड थी ईच अदर, एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थी। अब बात करते हैं जीनस की, तो जीनस में क्या होता है जितनी भी रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, ठीक है, थीके? जैसे तुम पोटैटो ब्रेंजल देखोगे तो एक ही जीनस की सोलेनम की है, ठीक है, लेकिन क्या है स्पीसीज डिफरेंट है। कैट की देखोगे, ठीक है, तो कैट में जीनस क्या है फेलिस, कैट में जीनस फेलिस, कैट में जीनस फेलिस, ठीक है। अब थर्ड में बात करेंगे फैमिली की, तो बेसिकली चीज देखोगे कि जो लोअर टैक्सा है ऊपर टैक्सा के बेसिकली रिलेशन में रिलेट करने पर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैमिली में रिलेटेड जिनरा, ठीक है, किसकी बात करेंगे सोलेनम पिटूनिया धतूरा, ये क्या है डिफरेंट जीनस है, ठीक है, लेकिन फैमिली इनकी एक ही होगी, जीनस डिफरेंट है लेकिन फैमिली एक ही होगी। अब यहाँ पे एक और दे रहा है पेंथेरा एंड फेलिस, ठीक है, पेंथेरा फेलिस की बात करें तो ये क्या है जीनस, अलग अलग जीनस है। पेंथेरा में बात करेंगे तो हम लोग लॉयन की फैमिली बात करेंगे, लॉयन टाइगर हो गया, चीता हो गया, उसकी बात करते हैं, लेपर्ड की बात करते हैं, और फेलिस में बेसिकली हम लोग कैट फैमिली की बात कर रहे हैं, तो हम जब कैट फैमिली कह देते हैं तो हम लोग फेलिडिसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैनिस किसका है जीनस है किसका डॉग का, और फैमिली क्या होगी कैनिडी, फैमिली कैनिडी, फैमिली कैनिडी, ठीक है, जीनस क्या हो गया कैनिस और फैमिली क्या है कैनिडी। अब ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्डर में रिलेटेड फैमिलीज जितने भी रिलेटेड में एक दूसरे रिलेट करने वाली फैमिली होंगी उनको हम लोग एक साथ रख देते हैं, ठीक है। जब एक साथ रखते हैं जैसे यहाँ पे कॉन्वलेसी सोलेनेसी दो फैमिली है, लेकिन ये ऑर्डर ऑर्डर किसका अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो किस ऑर्डर के अंदर आएगा तो पॉलीमोनियल्स के अंदर आती है, ठीक है। जैसे कैनेडी फैमिली है लेकिन करनी ओरस के अंदर आती है, कर्नियोरस ओमनियोरस पढ़ते हैं आप तो उसी में एक टर्म कर्नियोरस सुना सुना होगा, ठीक है, अलग नहीं है। तो कर्नियोरस इनकी क्या है ऑर्डर है, फैमिली कौन सी होगी कैनेडी, ठीक है।
अब जैसे हम लोग अपनी ही बात कर लेते हैं, हम लोग का कोई पूछ ले ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हम लोग का प्राइमेटा ऑर्डर है। जैसे हम लोग पहले एनसीईआरटी में रखा था, 12th का पहला चैप्टर था शायद, तो उसमें नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स की बात करता था, तो वहाँ पे एक डिफरेंस हमें पढ़ाया जाता कि प्राइवेट्स में जब बात करते थे तो वहाँ पे बात करते थे, बात किस चीज़ की करते थे, बात करते थे कि जो साइकिल होता है उसके बिहाफ पे बात करते थे कि इसमें साइकिल हो रहा है कि नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वहीं पे बात करते थे, हीट पीरियड वगैरह आता था, वो पहले की बात है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या रखना है, मंकी गोरिल्ला गिबन एंड ह्यूमन ऑर्डर इनका प्राइमेटा रहेगा। अब क्लास की बात करते हैं, तो जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे वो हमारे क्लास के अंदर आएंगे। जैसे प्राइमेटा मेमेलियन क्लास के अंदर आता है, कार्निवोरा मेमेलियन की बात कर रहा है, तो बेसिकली हमें यहाँ से ओवरव्यू मिल रहा है पूरे आने वाली यूनिट्स का। यहाँ पे मतलब ये हमें यहाँ बताना चाह रहा है हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम में जब पढ़ेंगे हम लोग तब वहाँ पे टर्म्स आपको फिर से सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, ठीक है। अब फाइलम की बात कर लेते हैं, तो फाइनल जो टर्म था वो हेकल साहब ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या होती है, रिलेटेड क्लासेस की बात करते हैं, रिलेटेड क्लासेस, जैसे हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे उसमें सब चीज़ें आएंगी, एक बार फिर से आपके दोबारा रिव्यू होगा कंटेंट, ठीक है। जैसे पहले फाइलम में रिलेटेड क्या होंगी, सारी क्लास जितनी रिलेटेड क्लास हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले जो है फिशिज, एम्फीवियंस, रेप्टाइल, एविज, मैमल्स, तो ये इनका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा फैमिला, फाइलम कॉर्डेटा, हम लोग वहाँ पे कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट, तो ये किस फाइलम में आ रहे हैं कॉर्डेटा। अब प्लांट के केस में यहीं पर टर्म बदलता है सिर्फ, वो टर्म क्या है, डिवीजन, ब्लू येलो कलर से नीचे मार्क कर रखा है। अब बात करते हैं हम लोग किंगडम की, ठीक है। किंगडम में बात करेंगे हम लोग, दो किंगडम लिनियस साहब ने दिया था, कोई बड़ी बात नहीं, फाइव किंगडम आर्य विटेकर साहब ने किया था, जो कि हम लोग बात करेंगे आने वाले चैप्टर जब हम लोग वन शॉट लेंगे, उसका भी कोशिश करूँगी वन शॉट ही हो। वन शॉट में जब बात करेंगे तो आपको फाइव किंगडम क्लेशन, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सारे सिक्स किंगडम तक बताऊंगा मैं आपको उसमें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, एग्जांपल हम लोग को दे रखा है, तो थोड़ा सा एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, दे रखा प्लांट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इधर से कोशिश करते हैं, ठीक है, इधर से पढ़ेंगे, इसमें दे इधर से रखा है, हम लोग इधर से चालू करते हैं। देखिए तो यहाँ पे स्पीसीज कौन सी है, ट्यूबरेशम, ठीक है, मैंने कहा नाम, ठीक है। जीनस क्या है, सोलेनम पिट्यूनिया। फैमिली कौन सी होगी, सोनिलेसी कॉन्विलेसी। ऑर्डर क्या है, पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो डिवीजन की टर्म में इसमें हम लोगों ने फाइलम नहीं बात करी, हम डिवीजन बात करें, तो कौन सा, डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स, और ये क्लास हो गई। अब फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम में क्या आएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। फाइलम बोले, डिवीजन बोले, प्लांट के केस में टर्म हम लोग यूज करेंगे डिवीजन। क्लास क्या रहेगी, डाइकोटिलेडन्स मोनोकोटिलेडन्स। अगर डाइकोटिलेडन्स मोनोकोटिलेडन्स नहीं पता तो एक सिंपल चीज याद रखना, डाइकोटिलेडन्स ऐसे सीड्स जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली अपने डेली लाइफ में ग्राम, हिंदी मूल शुद्ध चना, चना देखा आपने, उसको देखा दो पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाता है, जितने पल्सेस होते हैं मैक्सिमम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब बात करें वीट की, राइस की, तो डिवाइड नहीं होता, तो सारे के अंदर मोटे कॉटिलेडन्स के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वो प्लांट किंगडम की बात है, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ के वहाँ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एनिमेलिया में कॉर्डेटा की, ठीक है। कॉर्डेटा हमारा क्या है, फाइलम, नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट जब पढ़ेंगे तो और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा उसकी झलक ले लेते हैं, ठीक है। अब क्लास की बात कर रहा है, तो क्लास में हमारे पास पहला फिशेस, दूसरा एम्फीबिया, तीसरा रेप्टाइल, चौथा बर्ड, पांचवा मैमल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे पांच चीजें पढ़ी। अब इनमें ऑर्डर की बात करें तो मैमल्स कार्निवोरा में भी आएंगे, प्राइमेट्स में भी, मैमल्स तो बहुत सारे हैं ना। उसके बाद कार्निवोरा में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, दो फैमिली पढ़ी थी, एक डॉग की फैमिली, एक कैट की फैमिली। तो फिलेडेसी में मेसली हम लोगों ने जो कैट फैमिली थे उसी के बारे में पढ़ा था, कैनेडेसी में पढ़ा डॉग की फैमिली। यहाँ पे देखिए पैंथेरा की बात कर रहा है, फेलिस की बात कर रहा है, तो पैंथेरा में तीन स्पीसीज आएंगी, लियो, टिग्रिस, प्रेडस, लॉयन, टाइगर, लिपर्ड। और जब फेलिस की बात करेंगे तो डोमेस्टिक कैट, जो नॉर्मली कैट्स होती हैं उनकी बात करेंगे। अब कैनेडी की बात करेंगे तो कैनेडी में कैनिस तो हमारी क्या हो गया, जीनस हो गया। और निम्पल चीजें, फैमिलियरिस डॉग की बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन की फैमिली कौन सी है, तो होमिनिडी। जीनस टर्म क्या यूज करते हैं, होमो। और स्पीसीज कौन सी है, सेपियंस।
अब यहाँ पे हम लोग को एक चार्ट दे रखा है, चार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैप्टर छोटा सा है लेकिन मेनली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब मैन की बात कर लेते हैं, तो मैन में हम लोगों ने भी पढ़ा था कि मैन का हम लोगों ने क्या नाम दिया था, होमो सेपियन, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, डिवीजन कॉलडेटा, ठीक है। अब बात करते हैं हाउस फ्लाई की, जो नॉर्मल फ्लाई हम लोग देखते हैं, तो उसका डोमेस्टिका, ठीक है, जीनस उसका, फैमिली इसके बाद बात करते हैं, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थोपोडा, ठीक। अब बात करते हैं मैंगो की, तो मैग्नीफेरा इंडिका इसका क्या है, बायोलॉजिकल नेम, मैग्नीफेरा इंडिका इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, ठीक है। अब जीनस की बात करें तो मैग्नीफेरा, इनकार्डिशिया, स्पैंडियल्स क्या हो गया, स्पैंडियल्स का उसका ऑर्डर हो गया, क्लास डाइकोडिनल, और फाइलम की बात करेंगे तो ये एंजियोस्पर्म के अंदर में ही आएंगे। अब बात करते हैं वीट की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इन्हें दोनों से मैक्सिमम पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज भी यहीं पे हो गए तुम लोग। तो ट्राइकोम स्टिवेशम, ट्राइकोम पोएसी, पोज, मोनोकॉडिल्स, एंजियोस्पर्म, तो टेबल तो देखो यार ऐसा है कि इसमें रटनी तो पड़ी है तुमको टेबल, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन तुमको यहीं से घुमा के पूछेगा चाहे जितनी बार एग्जाम में पूछा गया हो, तो यहीं से कन्फ्यूज करने के लिए पूछेगा तुमसे, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। बाकी रही बात क्वेश्चंस की, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की है देख लीजिए आप, क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे। तो आपको मैं शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे दूं चैप्टर का, तो इसमें बेसिकली इस यूनिट का दे देता हूं, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की जितनी डाइवर्सिटीज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट की बात करें, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, हम सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज के वन शॉट में पहले मैं खत्म कर रहा हूँ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, वीडियो ज़्यादा तेज नहीं है, छोटा चैप्टर इसलिए जल्दी खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है, फाइलम पढ़ेंगे, किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम में डिवीजन भी पढ़ेंगे, कितने सब डिवीजन होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएंगे प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में जाके यूनिट खत्म होगी। तो बेसिकली जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद 25-30 क्वेश्चन हैं इसमें, वो भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका चैप्टर को कोशिश करना खत्म कर लेना मेरे साथ ही, और वन शॉट के अगर आप एग्जाम के लिए दे रहे हैं फिर कहीं पे जा रहे हैं तो उस हिसाब से एकदम वन शॉट वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है, आपको एक ओवरव्यू एक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसके क्वेश्चन के साथ में मिलूंगा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मजा आएगा।